जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के लिए आपके यूपी बोर्ड रिजल्ट के बारे में। कुछ नया अपडेट आया है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप सभी को काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है अपने रिजल्ट का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट है आखिर वह कब तक आने वाला है। आपने एक बहुत सारी डेट देखी है जिसमें बताया जा रहा है कि आपका रिजल्ट 25 अप्रैल को आएगा, 27 अप्रैल को आएगा, मतलब ऐसा काफ़ी सारा बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ क्योंकि देखिए अप्रैल भी आपका लगभग अब समाप्त होने वाला है और आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं, चाहे आप 10वीं छात्रों या 12वीं के छात्रों, आपका पूरा डाउट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू। ठीक है, यानी जाने आपका कब आने वाला है रिजल्ट या मार्कशीट। ठीक है, तो यहां पर चलिए देखते हैं आपका यहां पर पूरा क्या खबर है, एकदम अच्छे तरीके से आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए यहां पर आपका जो रिजल्ट है वह कैसे आपको चेक करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल अंत तक बने रहना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक एक अपडेट आपको एकदम अच्छे तरीके से मैं देने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको इनको पढ़ लेना है, आप पढ़ना चाहे वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। मैं आपको मेन पॉइंट पर लेके चलता हूँ जो कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए एक ही दिन मिल सकते हैं आपके 10वीं और 12वीं के रिजल्ट, यानी कि आपका जिस दिन जो है 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा उसी दिन आपका 12वीं का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। और ऐसा यूपी बोर्ड में हर साल होता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक वर्ष आपका जो रिजल्ट है वह दोनों का एक साथ जारी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये रिलीज करने की जो डेट है जब भी आएंगे एक साथ आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला यहां पर क्या पॉइंट है, तो यहां पर देखिए यहां पर थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। यहां पर बताया गया है कि ये है रिजल्ट की डेबिटेड डेट। देखिए इसमें कहा गया कि यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एक साथ जारी हो सकता है बोर्ड अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार। ठीक है, यहां पर क्या जानकारी दी गई है तो वह देखना है। बताया गया कि रिजल्ट की घोषणा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में की जानी है। ठीक है, अप्रैल का जो तीसरा सप्ताह है, ठीक है, ऐसे में यूपीएमएसपी पर क्या है 23 अप्रैल से पहले ही रिजल्ट रिलीज कर सकता है। अब यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि क्या 23 अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट आ सकता है या नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। यहां पर यह तो बताएगा कि मतलब तीसरा सप्ताह आपका जो है 23 अप्रैल से पहले ही आपका आना है। अब आज क्या है, तो यहां पर आज जो है 19 अप्रैल है। ठीक है, अब यहां पर ऐसे में देखा जाए तो 4 से 5 दिनों में क्या आपका रिजल्ट आ सकता है या नहीं। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहां पर बताया गया है कि अपनी मार्कशीट को आप कैसे चेक कर पाएंगे, तो वो तो आपको मैं बता दूंगा कैसे चेक करना है। अब यहां पर 23 अप्रैल तक डेट बताई गई है और आपने काफी सारी जगह पर देखा होगा कि 27 अप्रैल भी बताया गया है कि यानी कि 27 अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट आ सकता है। तो देखिए आपको बता दूं, आपका रिजल्ट ये कन्फर्म नहीं दोस्तों कि आपका 23 अप्रैल से पहले ही आ जाएगा, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि आपका अप्रैल में ही आएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल लगभग पक्का है, तो आपको ज्यादा मतलब परेशान नहीं होना। आपका रिजल्ट जो है, अब मान लीजिए 23 अप्रैल को नहीं आ पाया 23 से पहले, तो 23 से आपका जो है अप्रैल के लास्ट तक में, यानी कि आपका लास्ट अप्रैल तक में 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई। अब इसके बाद थोड़ा सा यहां पर पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, इतने नंबर लाने होंगे जरूरी, यानी कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाने जरूरी हैं, और अगर कई सारे स्टूडेंट जो है फेल हो जाते हैं वो क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां पर एक आसानी से आपके लिए एक सुविधा की गई। देखिए इसमें बताया गया कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पास होने के लिए छात्रों को सभी अलग अलग विषयों में पास होना जरूरी होता है, यानी कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, क्योंकि 10वीं में होता है मान लीजिए एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तो अब उसके लिए क्या व्यवस्था है, और इंटरमीडिएट में भी ऐसा कुछ मतलब रूल्स हैं वो क्या है आपको समझना है। देखिए स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट में न्यूनतम यानी कि कम से कम आपको जो है यहां पर 33 यानी कि 33% अंक लाने होंगे। ठीक है, जब आप लोग 100 में से 33 नंबर ले आएंगे तब आप लोग पास माने जाएंगे। ठीक है, इतना स्कोर आपको करना ही होगा, लेकिन अधिकतर दो विषयों में फेल होने पर कैंडिडेट को यानी कि जो भी स्टूडेंट है उनको कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। यानी दोस्तों इस बार क्या है, जैसे मान लीजिए आप जो है दो सब्जेक्ट में लगभग फेल हो जाते हैं, यानी कि आप जो है 33% अंक नहीं ला पाते, तब आप क्या करेंगे, कंपार्टमेंट एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो उनमें आप लोग सम्मिलित होकर यानी कंपार्टमेंट परीक्षा देकर आप उन विषयों को क्लियर कर सकते हैं और आप अपना रिजल्ट जो है अच्छा कर सकते हैं, यानी कि आपका पूरा वर्ष नहीं बेकार जाएगा, यानी कि खराब नहीं होगा, आप जो है
आसानी से पास हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार से व्यवस्था है। तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहिएगा, जब भी कंपार्टमेंट एग्जाम होंगे यानी कि जब भी इससे संबंधित कोई भी न्यूज आएगी आपको तुरंत इसी चैनल पर बताया जाएगा, तो आपको बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है। और यहाँ पर यही सारी जो है अपडेट है, बाकी आपको यहाँ पर और भी नीचे दिखा देता हूँ, काफ़ी सारी जो है अपडेट है तो यहाँ पर बताई गई हैं, बाकी यहाँ पर ये कुछ खास नहीं है। रिजल्ट कैसे चेक करना है, तो रिजल्ट आने से पहले पहले मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि आपको कैसे रिजल्ट कहाँ कहाँ पर चेक करना है, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आता है तब वेबसाइट जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता है, तो वो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। तो वह भी मैं तरीका बताऊँगा कैसे आपको देखना है, कैसे चेक करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। तो आई होप आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, पसंद आया तो यार लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।